पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही बार मुझे मिला इस एप्लीकेशन में। भाई एप्लीकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल नई एप्लीकेशन आई है और जहाँ तक कि मेरे को आइडिया है इस एप्लीकेशन का एपीके किसी के पास नहीं होगा। लेकिन हाँ मैं आपको बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन का जो एपीके है वो मैं आपको RSR एपीके बोर्ड पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके सो यहाँ पर मुझे सिंगल प्रोडक्ट पर मिला था दूसरी डिवाइस में, जिसका मैंने एसएस ले लिया। और मज़े की बात यह है भाई कि यहाँ पर आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे और 2 रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और 1 अप्रूव कर दिया जाएगा अगर आप इसकी रिपेमेंट कर देते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको दो दो जो दो प्रोडक्ट हैं वो जो डिक्लाइन हुए थे या फिर रिजेक्ट हुए थे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें भी रिस्क वाली बात है ना, क्योंकि देखिए 3600 कुछ रुपए का आपको पेमेंट करना है, 2100 कुछ रुपए आपका बैंक खाते में आए हैं, 1500-1600 रुपये का आपका लॉस होगा सीधा सीधा। अगर मिले तो भी लॉस है, ना मिले तो भी लॉस है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इस कंपनी की आप पेमेंट कर देते हो, मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब मान लीजिए इसकी आप पेमेंट कर देते हो सपोज डैट, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं इसके अंदर। अब मान लो 1% आपको ना दे, फिर क्या करोगे भाई? बोले के पूरे गए ना, जो इन्होंने 2100 रुपये दिए थे वो भी गया प्लस अपनी जेब से भी गए, है ना। तो ये रिस्क बहुत है। चाइना की लोन एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन नाम है हैंडी वॉलेट, और ये वॉलेट वाले ने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब कर रखी है लोगों की। पैसे पर पैसा देते रहते हैं और लोग पैसे पर पैसा लेते रहते हैं। अभी मैंने यहाँ पर भी मैंने आज अप्लाई किया था, तो यहाँ का जो है मेरा डिक्लाइन कर रखा है, मतलब इस फ़ोन के अंदर मैंने जब अप्लाई किया था तो ये तो डिक्लाइन हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लोन की दिखाऊँ तो यहाँ पर हर किसी लोन में आपको थोड़ा वो डिफरेंस अमाउंट देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कंपनी जो है 3000 या 4000 रुपये का एक ही बार में लोन देगी। मतलब कि ये है कि अगर आप इन तीनों में अप्लाई करते हो तो मिलेगा शुरू में स्टार्टिंग में 1 में, और जब आप उसकी रिपेमेंट कर दोगे तो जितने भी आपको प्रोडक्ट यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, 2 के बदले 4 आपके लिए और अनब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि भैया रिस्क कौन ले? NBFC थोड़े ना है कि चलो भाई पेमेंट कर देते हैं और प्रॉब्लम होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या है भाई, 99% रिस्क होता है, 1% चांस है मिल गया, क्योंकि कंपनी वालों को भी पता होता है। अभी मुझे मिला है तो मैंने आपको SS दिखाया, स्क्रीनशॉट दिखाया, जी भाई एप्लीकेशन दे रही है दबाकर, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको लेना है तो भैया थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। और बाय द वे इस एप्लीकेशन का जो APK है वो मैं आपको बोर्ड पर प्रोवाइड करने वाला हूँ।